इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके सामने आज नया वीडियो लेके, जिसमें हम जानेंगे कि हांच बार की कटिंग लेंथ जो है कैसे निकाली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हांच क्या होता है। हंच, अगर मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया होगा जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग्स में कि हंच क्या होता है, तो हंच वो पोर्शन होता है जो वॉल को और स्लेब को, या तो टॉप स्लेब हो या बॉटम स्लेब हो, उसको जो कनेक्शन करने का, कनेक्ट करने का काम करता है, कि स्मूथ वेरिएशन इन लोड लाने का काम करता है, उसको हंच बोला जाता है। तो उसका एक रेनफोर्समेंट होता है जो जनरली इस यहाँ से लेके ये ऐसा एल होता है 200 mm का, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, जो मैंने डैश 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 लाइन वाली खींच रखी है उस वैसे जाता है, और फिर यहाँ पे एक एल 200 mm का ऐसे जाता है। तो इसको बोलते हैं हंच बार या हंच रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसको। और इसका कटिंग लेंथ निकालने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे निकालना है, सिंपल तरीके से कैसे निकालना है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया है कि हंच का हमारा साइज जो है, अभी ड्राइंग के हिसाब से मैं ले लेता हूँ, 300 बाय 300 mm का हमारा हंच होता है। मीन्स 300 बाय 300 mm मतलब क्या हो गया कि 300 mm हॉरिजेंटल और 300 mm वर्टिकल। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें तो 300 बाय 300 mm का ये हंच बनता है। मैंने एक इमेजिनेशन लिया है कि स्लेब कवर 50 mm लिया है और वॉल का कवर भी मैंने 50 mm लिया है। हमारी ड्राइंग में अलग होगा, लेकिन जो मैंने लिया है कवर, वो अपनी कैलकुलेशन के लिए, आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए मैंने आपको इस तरह का कवर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, वाल की अगर हम लोग कवर माइनस करें तो रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी। यहाँ पे मैंने वाल ली है 450 mm की और स्लेब भी मैंने ली है 450 mm की। तो अगर मैं दोनों तरफ से कवर माइनस करूँ, 50 mm इधर से माइनस करूँ, 50 mm इधर से माइनस करूँ, तो मेरा जो कवर कवर छोड़ के रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट गैप कितना बन रहा है मेरा। अगर मैं 50 mm इधर से माइनस करूँ, 50 mm इधर से माइनस कर दूँ, तो 350 mm आ जाएगा ना। तो 350 mm आता है हमारा रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट कवर। अब देखिए हमको निकालना क्या है। हम क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास में क्या है, 300 बाय 300 mm का हांच है, तो ऑब्वियसली जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्टिकल यानी बोले तो आपका बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों जो है इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया है और इसकी टू आर्म्स या कहें कि टू एजेस जो है वो इक्वल है, इसलिए 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमको अभी 45 डिग्री का एंगल है, तो हम अगर ये डिस्टेंस निकाल लें, ये एक ही डिस्टेंस काफ़ी है, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें और इसमें फिर हम जो हमारा फॉर्मूला जो है कोस थीटा का वो लगा देंगे, तो हमारे पास में निकल के वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। हम एक्स फाइंड आउट कर लेंगे पहले, तो हमारे पास में वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए हमें यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस सी होगी, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो हम ये एक्स की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 45 डिग्री का एंगल है, अगर यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 45 है, और ये यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल खींचे तो ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों एंगल 45 डिग्री के अगर बन गए, तो उसके बाद में अगर ये हमारा 350 है, तो ये लेंथ कितना बनेगा, 350। उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि ये हंच की हाइट है, हम इस कॉर्नर तक तो पहुंच गए, हम इस कॉर्नर पे नहीं पहुंचे, हम इस कॉर्नर पे पहुंचे। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर में हल्का सा डिफरेंस है हाइट का, ये कॉर्नर थोड़ा सा हाइट है, इसलिए हमको कुछ पोर्शन यहाँ पे घटाना पड़ता है। वो कितना घटाना पड़ता है मैंने लिया हुआ है नीचे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले हमारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम ये कॉर्नर मान के चलते हैं, तो यहाँ से फिर वापस 300 mm ऊपर गए, फिर यहाँ से 450 mm ऊपर नहीं जाना है हमको, 400 mm ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 50 mm कवर माइनस करना है हमको, क्योंकि हमको इस कॉर्नर पे आना है, इसलिए हमको 50 mm माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 350 mm प्लस 300 mm प्लस 450 mm,
और -50 में ऊपर से कवर माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस आ जाएगा रफ डिस्टेंस। लेकिन ये कॉर्नर दोनों में डिफरेंस है, हमने जो लिया है अभी हमारा कैलकुलेशन वो यहाँ से लिया है, लेकिन हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा वो, क्योंकि यहाँ से ये कॉर्नर इतना उठा हुआ है। तो अगर ये कॉर्नर ऊंचा चला जाएगा तो हमारे यहाँ से लेके इसके पैरेलल क्या हाइट आ रही है वो हमको 300 mm से माइनस करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा ये कॉर्नर निकल पाएगा ना। तो वो हमने 50 mm के केस में 20.71 mm जो है माइनस करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा इसका भी मैं डेरिवेशन आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये सारी कटिंग लेंथ मीन्स ये सारी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है हमारी 1029.29 mm, ये हमारी एक्स की वैल्यू आती है। अगर मैं इसको कोस 45 से डिवाइड करूं, आप यहाँ पे थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस की हेल्प से कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया हमारा एक तरह से बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कोस थीटा। तो वहां से इस फॉर्मूले से हमारा वाई निकल के आ जाएगा कि वो कितना आता है, तो वो हमारा 1455.64 mm आता है हमारे केस में। अगर ये इतना आता है तो सिंपली हम यूं कहें कि राउंड ऑफ करके कि 1456 mm आता है। ये आप ऑटोकैड में भी चेक कर लीजिएगा, ये वैसा ही आता है जैसा मैंने निकाला है, क्योंकि कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है हमारी, क्योंकि हमको हमने एग्जैक्ट जो भी डिडक्शन करना चाहिए वो करके और हमने हमारी कैलकुलेशन करी है, तो 1456 mm ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब ये 20.71 का लफड़ा क्या है, 20.71 क्यों माइनस किया है मैंने, चलिए वो समझते हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ, कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये 20.71 कहाँ से आता है। ठीक है, हमने कवर लिया था वो 50 mm लिया था। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ से 50 mm माइनस करने वाले हैं, आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका एक वर्टिकल बार चल रहा है पूरा, मैंने यहीं तक लिया है मेरी कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका एक वर्टिकल बार चल रहा है। अगर आप ये समझिए कि आपका हंच बार आपने यहाँ पे रखा आपने हंच बार कवर लाने के लिए, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने यहाँ पे रखा, तो अगर आप उसको ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं तो ये कॉर्नर पे आप निशान लगाएं, प्रैक्टिकल करने के लिए ये कॉर्नर पे निशान लगाएं, और फिर यहाँ पे आगे हमारे कॉर्नर पे सॉरी हम यहाँ पे निशान नहीं लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा पहले रेनफोर्समेंट जहाँ पे आ रहा था वहां से वो कितना mm ऊपर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे अगर मेरा कॉर्नर मिल रहा था तो इस कॉर्नर से ये कॉर्नर जो है कितना mm शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ये 45 डिग्री के एंगल पे है, तो कुछ तो वर्टिकली शिफ्ट हुआ होगा, तो वो शिफ्ट हमको निकालना है। मान लीजिए हमने वो शिफ्ट माना है ZMM, तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ अगर हमने यहाँ पे ऐसे इस कवर से इसको 50 mm लिया है और इससे 50 mm लिया है, तो इन दोनों में कुछ तो गैप रहा होगा, तो ये 50 mm यहाँ से कुछ एक्सटेंड करके और यहाँ से अगर हम एक्सटेंड करें वर्टिकली तो वो यहाँ के इस कॉर्नर पे मिलेगा लगभग, चाहे तो आप ऑटोकैड में चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे इस कॉर्नर पे मिलेगा आके। तो अगर ये वर्टिकल है, एक वर्टिकल है, तो 45 डिग्री एंगल के हिसाब से हमारा एक वर्टिकल ये होना चाहिए, तो अगर ये 50 mm है तो ये भी 50 mm हो जाएगा, तो हमारा ऑब्वियसली हाइपोटेनस ये होगा, तो 50 mm तो हाइपोटेनस हो नहीं सकता, 50 mm से कुछ ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा कितना ये हमने मान लिया कि ये यहाँ से 1 mm ज्यादा है, 50 mm तो हमको पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि यहाँ से ये कितना है, तो हमने 1 mm मान लिया, और ये हमको पता है कि यहाँ से एक कॉर्नर 50 mm है और यहाँ से 50 mm है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद में हम ये देखते हैं कि ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, वही होता है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया इसको 50 + x की, जहाँ हमने x मानी है वहां पे हमने x लिख दिया है, 50 + x² इक्वल टू 50² + 50² हम यहाँ पे अंडर रूट ले आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर तो इधर अंडर रूट बनेगा लाने पे, तो वो वैल्यू क्या आती है हमारी 70.711। हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो 20.71 mm हमारा एक्स निकल के आएगा, तो हमारी टोटल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, जितनी भी होगी चलिए ठीक है हम उसको लेते ही नहीं है अभी। अगर हमको एक्स पता चल गई है तो यहाँ पे फिर देखिए एक वर्टिकल ये हो गया और एक वर्टिकल ये हो गया, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस ही हुआ कि क्या हुआ, बिल्कुल हाइपोटेन्यूस ही हुआ। तो हमको ये पता है अभी कि ये 50 mm है, अगर हम ये निकाल लेंगे तो हम ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं कि ये शिफ्ट कितना हुआ है वर्टिकल,
आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा इस कॉर्नर से हमको ये हाइट निकालना है, तभी तो हमारा पॉसिबल होगा ना। जो हमने लिया था यहाँ पे 350 mm, 350 mm लेने के बाद में हमको एक ये शिफ्ट बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा कॉर्नर तो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे गैप लेता हूँ 350 mm, तो मेरा 350 mm यहाँ पे मैच हो रहा था। तो अब मुझे ये हाइट चाहिए थी, क्योंकि ये डिफरेंस कितना आ रहा था मुझे पता नहीं था, तो अब मैं ये डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू ये है, तो फिर वापस मैं लगाऊंगा वही मेरा एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू कोस 45, कोस थीटा का फॉर्मूला। तो उससे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू कोस 45 कोस थीटा होता है, तो उसको मैं अप्लाई करके देखूंगा। तो मेरी वहाँ से वाई की वैल्यू, वाई ये यहाँ से लेके यहाँ इस कॉर्नर तक जो वाई की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, तो वो वाई की वैल्यू मेरे लिए निकल के आएगी 29.289। तो अगर अब मेरे पास में वाई इक्वल टू 20.289 आ गई, अब मैं ये पूरे में से 20.289 माइनस करूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या आती है, वो मेरी जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आ जाएगी जेड इक्वल टू 20.71। तो यहाँ से अगर मैं ये 5 बार शिफ्ट करता हूँ, तो मेरा डिफरेंस क्या है, वो मेरा निकल के अपने आप आ जाएगा 20.71, और ये इसका डेरिवेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हैंज की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो आप एक बार ऑटोकैड में जाके भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये 20.71 एक्चुअली आता है कि नहीं, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया कि हैंज की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर उनको नहीं आता है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म कहाँ है सीखने का, वो यहाँ पे सिविल ज्ञान पे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, अगली बार आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगा। धन्यवाद।